सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि कैलकुलस डेरिवेटिव्स रियल लाइफ में अप्लाई नहीं हो सकते या केवल साइंस स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई होते हैं। सो मैं बता दूं दोस्तों, इस वीडियो में प्रैक्टिकल मिठाई के डब्बे का एग्जांपल लेकर अपने समझेंगे कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बिजनेसमैन है ना, और ये अलग अलग जगह अप्लाई हो सकता है। मैं बस एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि किसी के अगर मिठाई का बिजनेस है या कोई भी ऐसा बिजनेस है जहां पे उन्हें डब्बों का दरकार होता है ना, वो कैसे डेरिवेटिव्स को अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। क्या बात करते हैं सर, सच्ची? मैंने कहा हाँ सच्ची। दोस्तों, जो भी डब्बे बनते हैं, आप लोग देखो इसके लिए मैंने क्या यूज किया इस प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। जो भी डब्बे होते हैं ना, ऐसा कार्डबोर्ड या ऐसा हार्ड शीट का इस्तेमाल होता है उन डब्बों को बनाने के लिए। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर हार्डबोर्ड शीट है, ठीक है ना, ये हार्ड शीट है जिससे डब्बा बनेगा। मान लीजिए ये स्क्वायर शीट है और अपने को पता है कि ये 60 सेंटीमीटर ईच साइड है, ठीक है सर। अब अगर आपका हर साइड 60 सेंटीमीटर है, क्लियर है इतना? जी सर। मैं आप लोगों को कहा और ये मैं आपको डब्बा बना के दिखाऊंगा, ये भी बता दूं मैं आपको। आप लोग ये इमेजिन करो कि मान लो कि ये एक आपका शीट था जो मैंने अभी आपको यहां पर दिखाया, राइट। अब आप लोग ये देखें कि ये पूरा का पूरा पार्ट 60 है, ये पूरा का पूरा पार्ट 60 है, राइट। अब माय डियर फ्रेंड्स, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम लोगों को निकालना है एक ऐसा वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब स्पेस कंटेंट, जो बिजनेसमैन है वो चाहता है कि कुछ डब्बा ऐसा बने या डब्बे के डायमेंशन कुछ इस प्रकार हो कि उस डब्बे का वॉल्यूम मैक्सिमम हो। वॉल्यूम क्या हो? मैक्सिमम हो। वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी टू होल्ड, मतलब उस डब्बे में ये जो 60 सेंटीमीटर का कार्डबोर्ड है या हार्डबोर्ड है, इससे इतना जगह बनाए, इतना वॉल्यूम जनरेट करवाए कि मैक्सिमम मिठाइयां इसमें स्टोर हो सके। कुल? जी सर, कुल। अब हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है, पर हमें यह पता है दोस्तों कि हमें डब्बे को चारों तरफ से काटना है। मतलब यहां से हमें कुछ पार्ट काटनी है, यहां से दोस्तों हमें इसकी कुछ पार्ट काटनी है, यहां से हमें कुछ पार्ट इसकी काटनी है, और यहां से हमें इसकी कुछ पार्ट काटनी है। कितना काटना है सर, वी डोंट नो, क्योंकि आप समझो ना, जब आप अलग अलग तरफ से काटोगे और उसको मोड़ोगे तब ना डब्बा बनेगा। मैं आपको दिखाऊंगा करके, रुकिए आप। ये देखिए, मान लीजिए कि ये आपके पास एक्स है, ये एक्स है, तो ये एक्स है, सेम यहां पर है, ये एक्स है, एक्स सिमिलरली यहां पर भी एक्स। तो दोस्तों आप लोग फोकस करें, अगर आप लोग ऊपर वाली पार्ट को देखेंगे तो आपका, अच्छा मैं आपको लेकर चलता हूं, मैंने फोटो भी ले रखा था क्योंकि मैंने एक डब्बा और बनाया है, तो मैंने उस डब्बे का बिफोर यू नो कटिंग मैंने फोटो ले रखा। आप लोग देखो, मुझे नहीं मालूम कि कितना काटना है, पर मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे को चारों तरफ से एक्स काटना है जिससे वो डब्बा बन सके। कूल? जी सर। तो ये देखिए, अब मैं यहां से एक्स और यहां से एक्स काटा, इधर से एक्स और इधर से एक्स काटा, ठीक है ना? जी सर, बिल्कुल। जी सर, बिल्कुल। अब आप लोग दोस्तों देखो, मेरे को ये देखना है कि यार ये एक्स काटना है मेरे को, तब मैं फोल्ड करूंगा। आप समझे ना? नहीं समझे तो मैं आपको फिर से बताता हूं। ये वाला जो पार्ट है ना, तब आप इसको फोल्ड करोगे, ये वाला जो पार्ट बच जाएगा जो नहीं कटा इसको फोल्ड करोगे, ये वाला पार्ट जो बच जाएगा आप इसको फोल्ड करोगे, और ये वाला पार्ट जो बच जाएगा आप इसको फोल्ड करोगे, और तब जाके आपका डब्बा तैयार होगा। अग्रीड? जी सर, जी बिल्कुल अग्रीड। अब मैंने कहा कि मेरे को बस ये नहीं समझ में आ रहा, मैं एक बिजनेसमैन हूं और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि डब्बे का मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए मेरे को कितना काटना चाहिए। मैंने कहा यूज डेरिवेटिव्स, मैंने कहा यूज डेरिवेटिव्स। सर जी, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज कर लीजिए आप लोग। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जी सर। अगर आप लोग ध्यान दो दोस्तों, तो ये जो डब्बा है, अगर इसका लेंथ 60 है, आप इधर से देखो, आप ये वाला एक्स काट दोगे और आप ये वाला एक्स काट दोगे, तो बचेगा क्या? लेंथ 60 माइनस 2x, क्योंकि दोनों तरफ से एक्स काटे। अगर आप इधर ध्यान दोगे दोस्तों, तो आपके पास क्या बचा? इधर से भी आप एक्स काट दोगे और इधर से भी आप एक्स काट दोगे, तो ब्रेथ में आपके पास क्या बचा? ये वाली पार्ट, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 माइनस 2x। जी सर, जी बिल्कुल। और गाइज, अगर आप लोग सोचें, तो जब आप लोग इस पार्ट को, ये वाली पार्ट को आप उठाओगे, तो रियल लाइफ में वो कितना ऊपर जाएगा? जितना आपने यहां से काट रखा है। तो यानी कि हाइट क्या होगी? एक्स। क्यों ना मैं आपको एक रियल डब्बा दिखाऊं जो मैंने अभी बना रखा है। एक मिनट दोस्तों, ये देखो, ये जो था, ये था पहले का सिचुएशन। फिर माय डियर फ्रेंड्स, मैंने जो एक्स पार्ट आपको बता रखा, आप लोग देखो यहां पे मैंने एक्स लिख भी रखा है, अगर आप लोगों को स्क्रीन पर क्लियरली दिखाई पड़ रहा है तो। अब देखो,
तो जब मैं गाइस फोल्ड करता हूं, आप लोग देखो 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 देखो, देखो, देखो मैं फोल्ड कर रहा हूं। मैंने क्या किया, जैसा मैंने आपको कहा था, चार एक्स यहां पे काटा, यहां काटा, यहां काटा और यहां काटा। फिर से बोल रहा हूं, जो मैंने आपको कहा था ये चार चीजें काटूंगा वो यहां 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 मैंने काटा, और फिर मैंने इसको फोल्ड किया, इसको फोल्ड किया, इसको फोल्ड किया और इवेंचुअली इसको फोल्ड किया। तो मेरा डब्बा बनाना, अब आप लोग फोकस करो, जब ये मेरा डब्बा बना, ओरिजिनली 60 था, अब ये जो बचा हुआ वो 60 माइनस 2x है, ये जो बचा हुआ वो भी 60 माइनस 2x है। अरे पर ये हाइट कितना है, अगर आप लोग गाइस अंदर में देख पा रहे हो, इसको मैं खोलता हूं तो यही तो हाइट बना जितना मैंने काटा था। देखो मुड़ा मुड़ा मुड़ा, ये बन गया हाइट डब्बे का, विच इज एक्स ओनली, और आप लोगों को दिख भी रहा होगा एक्स लिखा हुआ। तो इसका मतलब सर वॉल्यूम क्या हो गया, 60 माइनस 2x, 60 माइनस 2x इनटू एक्स, अग्रीड? जी सर जी बिल्कुल, हम लोग अग्री करते हैं सर। अब मैंने कहा अब आप लोग इसको एक्सपेंड करो, अब मैंने कहा आप लोग इसको जो है एक्सपेंड करो। तो जब आप लोग गाइस मल्टीप्लाई करोगे, एक्सपेंड करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल 60 माइनस 2x होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि माइनस 2 इंटू 2, 4, 240x बेसिकली। जी सर बिल्कुल, और यहाँ बाजू में अपने लोग जो है गाइस x लिख देंगे। हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। तो अपना क्या हुआ दोस्तों, 4x क्यूब माइनस 240x स्क्वायर प्लस 3600x, करेक्ट ना, क्योंकि ये लास्ट में हाइट भी तो है बिल्कुल। और देख लीजिए ये x था, जब ये इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया तब जाके ये हाइट बना है ना। हाँ सर जी बिल्कुल सही बात है। अब मैंने कहा आप डिफरेंशिएट करो, v आपको मालूम है, सो सोचो अपने डेरिवेटिव्स को यूज करके ये बात को इस्टेब्लिश कर रहे हैं जो मैंने आप लोगों को प्रूफ करने को कहा था। dv बाई डी एक्स, एक्स है वो पार्ट माइंड यू दोस्तों जो हम लोगों ने काटा है ना। तो आप लोग देखो क्या है आपका 12x स्क्वायर, डिफरेंशिएट करके इसको, इसको डिफरेंशिएट करके 480x और इसको डिफरेंशिएट करके 3600, और फिर फ्रेंड्स अपने इसको जीरो से इक्वेट करेंगे। तो 12x स्क्वायर माइनस 480x प्लस 3600 इक्वल्स टू जीरो दोस्तों, अग्रीड? तो सर आप क्यों ना 12 कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या बचा है, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 300 इक्वल्स टू जीरो। सो 12 उधर गया, तो गाइस आपको इसको मिडिल टर्म से सॉल्व करना है, प्लस 300 इक्वल्स टू जीरो। तो दोस्तों आपका आएगा कि आप लोग ये सोच के देखो, मिडिल टर्म सब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो माइनस 10x प्लस 300 इक्वल्स टू जीरो। सो दोस्तों आपका क्या आ गया, x माइनस 30 माइनस 10, x माइनस 30 इक्वल्स टू जीरो। ध्यान दो दोस्तों, तो x की दो वैल्यूज पॉसिबल है, x माइनस 10 इक्वल्स टू जीरो, तो x 10 है या 30। पर सर हम लोग 10 काटे या 30, देखो 30 काटना ऐसे भी बेवकूफ़ी है, क्यों, क्योंकि अगर आप 30 काटोगे दोनों तरफ से तो टोटल डब्बा ही 60 का है, 30 काटोगे तो सब कुछ ही कट गया ना। और अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप लोग डबल डेरिवेटिव निकाल लीजिए, आपका dv बाई डी एक्स ही है, तो आपका डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, सर आप इसको डिफरेंशिएट करो तो 24x आएगा। हाँ जी सर, माइनस 480x को करोगे तो माइनस 480 आएगा, 3600 का ऐसे भी जीरो आता है, कॉन्स्टेंट है, तो माइनस 480 आ गया। अगर दोस्तों आप लोग 10 लगाओगे x की जगह तो 240 माइनस 480 विच इज माइनस 240 लेस देन जीरो आया। और अपना कंडीशन क्या था, अगर सेकेंड ऑर्डर या डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करते हो और लेस देन जीरो आता है तब वो फंक्शन क्या करता है, तब वो फंक्शन मैक्सिमाइज करता है, मैक्सिमम मिनिमम में अपने पढ़ते हैं, तब फंक्शन मैक्सिमाइज होता है और अपने को वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना था। अगर आप लोग गाइस x की जगह 30 करोगे ना तब ये ग्रेटर देन जीरो आएगा, मतलब 30 पे मिनिमाइज होगा, अपने को वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा चाहिए जिससे डब्बे में ज्यादा से ज्यादा मिठाइयां आ सके। तो इसका मतलब समझ आया दोस्तों। मैं अब आपको एक सच बात बता दूं कि रियल लाइफ में ये जो x दिख रहा है आपको, ये x दिख रहा है, मैंने लिखने को x लिखा है परंतु मैंने जो सब्सट्रैक्ट किया था हर जगह, मैं कैलकुलेट पहले ही कर लिया था और मैंने 10 10 10 ही हर जगह से काटा था। तो बेसिकली हाइट इसका 10 है और ये जो डब्बा है, जो गिवन मतलब सिचुएशन था कि 60 सेंटीमीटर का कार्डबोर्ड, उससे ये डब्बा बन सकता है विथ मैक्सिमम वॉल्यूम, ये रहा आपका डब्बा। तो है ना इंटरेस्टिंग गाइस, इस तरह से गाइस बहुत सारी जगह पर अपना डेरिवेटिव अप्लाई हो सकता है। तो आज के बाद आप लोग ये ना बोले कि कैलकुलस जो है वो अप्लाई नहीं होता है इन द मैथमेटिकल वर्ल्ड। चलो दोस्तों बाय बाय, ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अपने और इस चैनल में डेमोंस्ट्रेट करने वाले हैं।